नीमच जिला अस्पताल का निरीक्षण। कोविड की संभावना के चलते मंत्री सकलेचा और कलेक्टर ने किया हॉस्पिटल का दौरा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, देखिए नीमच की विशेष खबर। चीन सहित भारत के अन्य देशों में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बीते दिनों जहां शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में कोरोना से निपटने की पूर्व तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, वहीं गुरुवार को मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित अधिकारियों ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उक्त मामले में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में रिहर्सल का आयोजन किया गया था। पुराने दौर से ज्यादा खतरनाक कोरोना के नए वेरिएंट को बताया जा रहा है। इसमें कुछ बातें सामने आई है, जिसमें चाइना का वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि भारत का बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन था, जिसको WHO ने भी माना था। इस कारण भारत में कोरोना काबू में आया, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए आज यहां का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। आगामी कल शुक्रवार को जावद में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के हर अस्पताल की मॉक ड्रिल व स्टॉप को लेकर कंडीशन पर चर्चा की जाएगी, जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। आज निरीक्षण के दौरान पता चला था कि जिला अस्पताल में बेडशीट की कमी है, जिसके कारण कोई तकलीफ ना आए। इसको लेकर मंत्री सकलेचा ने अपने फंड से 600 बेडशीट के लिए पैसे रिलीव किए हैं। बाकी निर्णय शुक्रवार को होने वाली बैठक में लिए जाएंगे और जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। यह बीमारी जहां से उठे वहीं खत्म की जाए, 100% जागरूकता के साथ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को जोड़ते हुए इस कार्य को तेजी से किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के साथ नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, तहसीलदार अजय हिंगे, तहसीलदार विवेक गुप्ता, जिला अस्पताल CMHO डॉक्टर बघेल, सिविल सर्जन AK मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र पाटिल सहित अन्य मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।